हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे सरकारी एग्ज़ाम में स्वागत है। फ्रेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज का टॉपिक है फ्रेंड, वो पीडियाट्रिक है। आपकी स्क्रीन पर इसे फर्स्ट पॉइंट दिया है, नवजात पीलिया के उपचार हेतु कौन सी रंग की रोशनी का प्रयोग किया जाता है। विच कलर्ड लाइट इज यूज टू ट्रीट न्यूनेटल जॉन्डिस। कौन सी रोशनी का कलर है जो हम न्यूनेटल जॉन्डिस में यूज़ किया जाता है। ए है रेड, बी है येलो, सी है ऑरेंज या डी है ब्लू। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है ब्लू। सेकंड पॉइंट में दिया है कि किस स्थिति में जिस चिकित्सा के लिए फोटोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। इन विच कंडीशन द फोटोथेरेपी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स को पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें पूछा है कि किस कंडीशन में चिकित्सा के लिए फोटोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। थर्ड पॉइंट में दिया है, जिन शिशुओं में समय से पहले रेटिनोथेरेपी विकसित होने का उच्च जोखिम होता है। बेबीज़ हु आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी आर। ए है प्री टर्म नियोनेट, बी है टर्म नियोनेट्स, सी है पोस्ट टर्म नियोनेट्स एंड डी है ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। फोर्थ पॉइंट में दिया है, नवजात की देखभाल के लिए आवश्यक मुख्य घटक निम्नलिखित को छोड़कर हैं। द मेन कंपोनेंट इंसेंशियल फॉर न्यू बॉर्न केयर आर इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। फिफ्थ पॉइंट में दिया है कि शिशुओं में हेपेटाइटिस बी के टीके के लिए सबसे पसंदीदा टीकाकरण स्थल है। इन प्रेफरेशन साइट फॉर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इन इन्फेंट। ए है इंट्राडर्मल, बी है वस्टस लेटरल्स, सी है इंट्रावीनस एंड डी है सेंट्रल वीनस कैथेटर। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। सिक्स पॉइंट में दिया है, दस्त से ग्रस्त बच्चों में ORS थेरेपी का मुख्य उद्देश्य है। इन चिल्ड्रन विथ डायरिया द मेन एम्स ऑफ ORS थेरेपी इज टू। ए है प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, बी है रिड्यूस मोर्टेलिटी, सी है टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डिफिसिट, डी है ऑल द अबव। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, ऑल द अबव। सेवेंथ पॉइंट में है, पॉइंट बच्चों को दस्त से बचाने के लिए टीका जिसका प्रशासन किया जाता है वह क्या है। वैक्सीन दैट इज एडमिनिस्टर्ड इन चिल्ड्रन टू प्रिवेंट डायरिया इज पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस, निमोनोकोकल। वैक्सीन दैट इज एडमिनिस्टर्ड टू इन चिल्ड्रन टू प्रिवेंट डायरिया इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, रोटा वायरस।
एट्थ पॉइंट में दिया है कि दूध, लार और आंसू में उपस्थित एक इम्यूनोग्लोबिन की पहचान करें। आइडेंटिफाई एन इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन द मिल्क, सलाइवा एंड टीयर्स। ए है IgG, बी है IgM, सी है IgA एंड डी है IgE। आइडेंटिफाई एन इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन द मिल्क, सलाइवा एंड टीयर्स। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है IgA। नाइन्थ पॉइंट में दिया है भारत में नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन होता है। द नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न इन इंडिया इज। ए है 1.5 से 2.5 केजी, बी है 2.5 से 3.5 केजी, सी है 1.5 से 3 केजी एंड डी है 4.5 से 5 केजी। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है 2.5 से 3.5 केजी। तो पॉइंट में दिया है फ्रेंड एक नवजात शिशु की प्रसूति होती है और इसमें स्रव दिखाई देता है। इसमें निम्न सक्शन की विधि का अनुसरण किया जाता है। आ न्यू बॉर्न बेबी इज डिलीवर्ड एंड हैज़ विजिबल सिक्रीशन, द मेथड ऑफ सक्शन टू बी फॉलोड। ए है नोज फर्स्ट देन माउथ, बी है माउथ फर्स्ट देन नोज एंड सी है डीप इनसाइड माउथ अप टू लैरिंग्स, डी है होल्ड बेबी अपसाइड डाउन एंड क्लीन। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है माउथ फर्स्ट देन नोज। इलेवेंथ पॉइंट में दिया है कि नॉर्मल बेबी टेम्परेचर ऑफ न्यू बॉर्न इज। फ्रेंड्स को पढ़ें और इसका आंसर बताएं कि नॉर्मल बेबी टेम्परेचर ऑफ न्यू बॉर्न इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। ट्वेल्थ पॉइंट में दिया है कि एक वर्ष से अधिक के बच्चों में नाड़ी की जांच करने हेतु सबसे केंद्रीय तथा पहुंच योग्य धमनी है। द मोस्ट सेंट्रल एंड असेंसिबल आर्टरी टू चेक पल्स इन चिल्ड्रन ओवर 1 ईयर ऑफ एज इज। एक वर्ष से अधिक बच्चे में नाड़ी की जांच करने हेतु सबसे केंद्रीय तथा पहुंच योग्य धमनी है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 13 पॉइंट में दिया है कि अपरिपक्व शिशु बेबी को पुनर्जीवित करते समय ऑक्सीजन के लिए निम्न सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू किया जाना चाहिए। वाइल रिससिटेशन अ प्रीटर्म बेबी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुड बी स्टार्टेड विद ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ। ए है 21%, बी है 40%, सी है 75% एंड डी है 80%। फ्रेंड्स को पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है 21%। 14 पॉइंट में दिया कि 1 से 3 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में पोषण संबंधी अंधापन के प्रमुख कारण को कहा जाता है। द मेजर कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ वन से थ्री ईयर इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है।
15 पॉइंट में दिया है कि एक बच्चा जिसे सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ भौंकने वाली खांसी है और वह क्या लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अ चाइल्ड विथ डिफिकल्ट ब्रीथिंग एंड अ बार्किंग कफ इज डिस्प्लेइंग साइन। फ्रेंड्स को पढ़ें और इसका आंसर बताएं कि एक बच्चा है जिसे सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ भौंकने वाली भी खांसी है, वो क्या लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। इसका राइट आंसर डी है। 16 पॉइंट में दिया है, नवजात शिशु में क्रियात्मक पीलिया कब होता है। When physiological jaundice appear in newborn baby at birth, on second week, on second day, या first week after birth। इसका right answer friend C है। 17 पॉइंट में दिया है KMC विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कंगारू मदर केयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कैन बी डन बाय फादर आल्सो। इंडिकेट फॉर LBW बेबीज। सी ए इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल एंड डी है ऑल ऑफ अबव। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, ऑल ऑफ द अबव। 18 पॉइंट में दिया है कि विटामिन के इंजेक्शन इन न्यू बॉर्न इज गिवन एट विच साइड। विटामिन के का इंजेक्शन है जो न्यू बॉर्न बेबी में लगना है तो उसे किस साइड में लगाना चाहिए। राइट डेल्टॉइड, बी है लेफ्ट डेल्टॉइड, सी है मिड थाई एंड डी है बटक्स। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, मिड थाई। 3 पॉइंट में दिया है फ्रेंड कि नर्स को एनीमिया से ग्रसित बच्चे को आयरन की गोली के साथ कौन सा विटामिन लेने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। विच विटामिन नर्स मस्ट मेक श्योर द चाइल्ड डायग्नोज्ड विथ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज टेकिंग विथ आयरन। आप इसका आंसर बताएं। इसमें पूछा है कि एक नर्स है को एनीमिया से ग्रसित बच्चे को आयरन की गोली के साथ कौन सा विटामिन लेने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। दिया है कि व्हाट इज एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस क्या है, पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसने पूछा है कि व्हाट इज एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस क्या है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। तो फ्रेंड्स ये पीडियाट्रिक से 1 से 20 तक MCQ दिए थे। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।